यात्रा आ रही है, इसलिए आपके साथ ज्यादा मौका मिलेगा। वो सर नहीं, अभी रुक जाते हैं, यात्रा आई नहीं ना। जी जी, रुक के ठीक, यात्रा आ रही है। जी जी, यात्रा तो आई नहीं। जी, यात्रा तो आई नहीं। जी जी, हाँ तो इनके साथ ज्यादा समय लगाए। जी हाँ, बस इनके साथ ही ठीक है ना। जय कांग्रेस। आज पूरे मूड में आपके साथ बात करना चाहते हैं माननीय कमलनाथ जी। नहीं, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि बागेश्वर धाम का प्रोग्राम चल रहा है, आज समापन है। हाँ, तो मैं जाऊँगा इंदौर, इंदौर से जाऊँगा छिंदवाड़ा, तो समापन है इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। हमारे तरफ से भी हनुमान जी को आशीर्वाद के लिए। 8 लाख की भीड़ आपने देखा? हाँ, बहुत जबरदस्त भीड़, ऐसा लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद। मैं था वहाँ परसों, तो मैं खुद वहाँ पहुँचने में 4 किलोमीटर की तो लंबी ट्रैफिक जैम, तो मुझे घूम के बोलता है कि रास्ते से जाना पड़ा। ये ऐसा कार्यक्रम मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, ऐसे लोग उभर के आ रहे हैं। और कल तो उन्होंने खुद कहा कि आज तो 8 लाख तक की भीड़ है, महाराज जी ने खुद कहा। तो लोगों को इतना विश्वास है, प्रेम है, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। हरिद्वार जाओ, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रम हरिद्वार में देखे, महान धार्मिक जगहों में देखे, तो ये तो मुझे हमने सबके अपने विचार होते हैं। यहाँ भी बैठे हैं लोग, कांतिलाल गुरिया भी बैठे हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। किस लक्ष्य से उन्होंने ये कहा है ये वो जाने। चुनाव आता है तो अपने दौरे, सब नेता, हर पार्टी के नेता दौरा शुरू करते हैं, स्वाभाविक है। अब अगर शिवराज जी सफल हुए कि उनसे भी झूठ बोलवा दो कि वो छिंदवाड़ा आए थे अमित शाह जी, उनसे उन्होंने लिस्ट दी, सब झूठ, और मीडिया में देख लीजिए क्या हुआ। सर, अपने बागेश्वर बाबा की बात की, छिंदवाड़ा में आप उनको लाए हैं, हिंदू राष्ट्र को लेकर वो मुहिम चला रहे हैं। देखिए, मैं कोई लाया नहीं, उन्होंने खुद अपना कार्यक्रम बनाया। 40 साल से मेरा क्षेत्र है, वहाँ के लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। सबसे बड़ा आदिवासी क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, धार के बाद। अभी आप जाके इंटरनेट में देखिएगा, 3 आदिवासी विधायक हैं, उनकी इच्छा थी कि वो आए। मैंने जब पढ़ा अखबारों में कि उनका कार्यक्रम बना है, मैंने कहा स्वागत है, तो मेरे कोई लाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर वो आए हैं तो छिंदवाड़ा की जनता उनको लाइए। देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा की एक परंपरा है। हमारा छत्तीसगढ़ में कौन है, राजस्थान में कौन है, तो इसकी एक सिस्टम होता है, तो सिस्टम को फॉलो किया जाता है। उम्मीदवार का नहीं, केवल एक पार्टी का नहीं। अगला चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य को तय करेगा। मैं सोचता हूं कि ऐसा चुनाव, चुनौती भरा चुनाव किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी उम्मीदवार के लिए नहीं, पर एक प्रदेश के भविष्य के लिए इतिहास में कभी नहीं हुआ। सर, दोनों ही जो राजनीतिक पार्टियां हैं सर, फोकस आदिवासी पर है, दोनों ही अलग अलग बात कहती है कि हम लोग आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं। अभी जो ताजा रिपोर्ट आई नीति आयोग की, उसमें सबसे गरीब जिला जो मध्य प्रदेश का, उसके धरती पाप बैठे हैं। बीजेपी विकास पर्व मना रही है, झाबा जिले में 49% लोग गरीब हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। उसके बाद में अलीगढ़ का नंबर आ रहा है, वहां पर 40% लोग गरीब हैं, पिछली बार वहां पर 71% लोग गरीब हुआ करते थे। आपको लगता है कि ये जो 30% की गिरावट आई गरीबी में, आंकड़ों की जादूगरी है या वाकई में भारत पर काम हुआ है, और आगे इसका हो सकता है, मतलब क्या लगता है? देखिए, हमें प्राथमिकता आदिवासी योजनाओं पर देनी पड़ेगी। अपना प्रदेश देश में सबसे नंबर 1 है आदिवासी जनसंख्या। मेरा अपना जिला मैंने कहा, धार के बाद आदिवासी जिला है, बढ़िया सा जिला। हमारे लेह जिले में तो झाबुआ, अलीराजपुर से ज्यादा आदिवासी, पर ऐसी हालत तो नहीं है। तो अगर सरकार का ध्यान हो, अगर उनकी मन मंशा हो, तो ये झाबुआ का ये हाल नहीं होता।
मैं तो आती बार देख रहा था, कई दफे में आया हूँ, सुनता रहता हूँ, झाबुआ के बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, और यहाँ तो बुनियादी सुविधाओं की मांग है। यहाँ कौन सी बड़ी मांग है? बुनियादी सुविधाओं की मांग। तो उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा सेक्रेटेरिएट के बाद ऑप्शन क्या था? तो कौन सा एहसान कर रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वीकार किया? उन्होंने तो केवल सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वीकार किया, उसका नोटिफिकेशन लगाया। उनको तो ये दो दिन पहले करना चाहिए था। मैं संसदीय कार्य मंत्री रहा हूँ केंद्र में कई साल। ये तो एक सिस्टम होता है, एक घंटे में हो सकता है अगर आपकी नियत साफ हो। सर, राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं बड़े गर्व से बात कहता हूँ, मेरे बारे में आप और तो कह नहीं सकते। पहले कहते कि कमलनाथ 15 महीने का हिसाब दे, अब चुप है इस पर कि हिसाब और गवाह मध्य प्रदेश की जनता है कि जो कांग्रेस की कार्यकारी हो गया। अब करप्शन कुछ नहीं कह सकते मेरे बाद। तो करप्शन आपने कभी सुना है? छिंदवाड़ा के लोगों से पूछ लीजिए, पूरे प्रदेश के लोगों से पूछ लीजिए। ये तो अब मेरे बारे में कुछ कहने लायक नहीं। हाँ, तो जितना झूठ बोल सकते हो बोलो। सर, कांग्रेस कहती है कि शिवराज सरकार कर्ज लेके रेवड़ियां बांट रही है, और कांग्रेस भी इसी रास्ते पे चली है, घोषणाएं पे घोषणाएं हो रही है अभी से। हम बड़े ध्यान से जो कर रहे हैं कर रहे हैं। ये रेवड़ियां बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं? इन्होंने 3,30,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया है, जिसका ब्याज पटाने के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। और कितना कर्जा लेंगे अगले 4 महीने में मैं नहीं जानता, आप उनसे पूछिएगा। एक मिनट, मीडिया उनसे पूछे कि 3,30,000 करोड़ रुपए का आपने किया क्या? मैं बताऊं कितने बड़े ठेके दिए उन्होंने, कितने बड़े बड़े ठेके दिए हैं, और कितने बड़े बड़े ठेके देने जा रहे हैं जिसमें 25% एडवांस देंगे और अपनी कमीशन निकालेंगे, अपनी जेब भरेंगे। ये तो रिकॉर्ड की बात है, कितने ठेके दिए। तो आप कर्जा ले रहे हैं अपनी जेब भरने के लिए। आपके मित्र हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, उसकी एनआईए के छापे भोपाल में पड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि चुनाव के पहले एक बार फिर देश जो है दंगों की आग में झुलसता नजर आ रहा है? देखिए, दिखते भी ऐसी घटनाएं, दिखते भी डिस्टर्ब करने की घटनाएं चुनाव के पहले बीजेपी कराने की कोशिश करेगा। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में क्या हो रहा है? पिछले लगभग 90 दिन हो गए, रोज कल भी लोग मरे। ये समाज को बांटने का, आदिवासी और गैर आदिवासी समाज के बीच में झगड़ा करा रहे। वहां सरकार किसकी? बीजेपी की। आपके पास पूरी मिलिट्री है, पूरी CISF है, पूरी CRPA है, तो क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? ये मणिपुर की घटना बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये बीज बोरी है, बहुत सारी चीजों के बीज बोरी है। ये हमें याद रखना है। आपको तो तब समझ आई मणिपुर की जब ये वीडियो वायरल हुई है। भोपाल में करीब 1.5 महीने पहले मैंने मणिपुर की बात करी थी, आपके साथियों के जरिए मणिपुर क्या है कोई सुनने को भी दिया था मणिपुर की बात। मणिपुर से मुझे फोन आते थे। तो मणिपुर एक बहुत खतरनाक बीच देश में बोरी है। सर, दंगों को विधानसभा चुनाव में सर कितनी सीटें आ रही कांग्रेस? जगदीश शंकर जी, तो CBI ने चार्जशीट उनके खिलाफ पेश की थी 84 के दंगों में, उन्होंने भूमिका निभाई है, तो आप क्या सोचते हैं चार्जशीट को लेकर? मैंने तो चार्जशीट पढ़ी नहीं, मैं नहीं जानता कितने सालों बाद। हाँ, ये 84 की बात है, इसका मतलब कितने साल हो गए उसके बाद ये चार्जशीट फाइल हो रही है, इसका क्या कारण है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। चलिए आप बताइए।